फेज 7 में पैसे लगाएं या फेज 9 प्रिज्म में। अब तो फेज 9 प्रिज्म में भी पोजेशन आ चुका है, तो आप इस सूरत में हमें क्या गाइड करते हैं? तो दोस्तों जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शेख आसिफ निसार, सीईओ पाकिस्तान प्रॉपर्टीज। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरे परदेसी भाई ईद की खुशियां अपनों में मनाने के लिए रखते सफर होंगे। दोस्तों ये डेफिनेटली ईद हो और अपने साथ ना हो तो मजा नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको इस रमजान की नेमतें बरकतें समेटी आपने होंगी, भरपूर समेटी होंगी, और इसी तरह भरपूर अंदाज में अपने वतन में ईद भी मनाएंगे। दोस्तों डीएचए लाहौर का रुख करते हैं। डीएचए लाहौर में इस वक्त लोगों के दो सवाल होते हैं कि हम जो है वो फेज 7 में पैसे लगाएं या फेज 9 प्रिज्म में। दोस्तों मेरा हमेशा ये जवाब होता है उनको कि अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपने आने वाले साल 2 साल या 3 साल में अपना घर बनाना है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं फेज 7। फिर लोगों का सवाल ये आता है कि जी अब तो फेज 9 प्रिज्म में भी पोजेशन आ चुका है, तो आप इस सूरत में हमें क्या गाइड करते हैं? तो दोस्तों फेज 9 प्रिज्म में अभी लाइफ आने में बहुत ज्यादा टाइम है, यानी कि 2 से 3 साल में वहां पे बड़ी बड़ी मार्केट्स बननी है, जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें अभी वहां पर आना बाकी है, जिसमें बड़े बड़े बैंक्स हैं, जिसमें मल्टीनेशनल फूड चेन्स हैं और दीगर जरूरियात की चीजें और बच्चों के बड़े बड़े स्कूल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस अभी आना बाकी है। और इस तरफ अगर हम बात करें डीएचए लाहौर फेज 7 की, जहां पे उनके कमर्शियल जो जोन है बड़ी तेजी के साथ बन रहे हैं, वहां पे मैकडोनल्ड का आ जाना बहुत खुश आइन बात है, वहां पे बड़ी तेजी के साथ जो है वो बिल्डर्स घर बना रहे हैं और रियल और जेन्युइन बायर जिन्होंने अपने प्लॉट खरीदे हैं घर बनाने के लिए, वो भी बड़ी तेजी के साथ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। महंगाई के इस दौर में भी वहां पे बड़ी तेजी के साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है, जरूरियात जिंदगी की तकरीबन तमाम चीजें फेज 7 में मिल जाती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने 2 से 3 साल में अपने घर में शिफ्ट होना है और इन तमाम सहूलियात के साथ शिफ्ट होना है तो आपको जरूर फेज 7 में प्लॉट लेना चाहिए। डीएचए लाहौर फेज 9 प्रिज्म में अगर आप आने वाले मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए या वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए मेरी 100% रिकमेंडेशन जो है वो फेज 9 प्रिज्म ही है, स्पेशली डीएचए लाहौर के प्लॉट सेगमेंट में। या कमर्शियल सेगमेंट में भी आप डीएचए लाहौर फेज 9 प्रिज्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपने फौरी घर बनाना है तो आपने प्लॉट लेना है डीएचए लाहौर फेज 7 में, और अगर आपने मुस्तकबिल की इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपने प्लॉट लेना है फेज 9 प्रिज्म में। जी हाँ, ये वो सवालात थे जिनके जवाब आप इस ईद पे देना बहुत जरूरी थे। आए अपनों में ईद मनाएं और ईद मनाते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। इजाजत दीजिएगा नेक दुमनाओं में, दुआओं में याद रखिएगा, और एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।